Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Commerce Easy. आज हम शुरू करते हैं 12th class का एक important chapter that is cash flow statement. देखो, cash flow statement में तीन words involved हैं. पहला है cash, second is flow and third is statement. इन तीनों वर्ड का मीनिंग मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ तो आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखो, सबसे पहला वर्ड हम लेते हैं कैश. कैश का मतलब आपको अच्छे से पता है, कैश का मतलब होता है पैसा. यानी जो कैश आपके हाथ में है, आपकी पॉकेट में है, जो आपकी सेफ में रखा है, वो आप कहेंगे कि कैश इन हैंड है. यानी जो पैसा आपके पास अवेलेबल है उसे आप कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा है. लेकिन जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम खाली कैश को कंसिडर नहीं करते हैं, हम कैश के साथ बैंक को भी कंसिडर करते हैं. देखो, बैंक में क्या आ जाएगा कि डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक. यानी जो पैसा हमने बैंक में डिपॉजिट किया है और whenever we are in need, we can demand that deposit from the bank. जब हमें कैश की रिक्वायरमेंट है और अगर हमारे पास कैश अवेलेबल नहीं है, हमारे घर में पैसा नहीं है, तो हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं क्योंकि हमने बैंक में वो पैसा जमा करवा रखा है. तो उस पैसे को भी हम कैश के इक्विवेलेंट ही कंसिडर करेंगे. यहाँ हम कैश को सिर्फ कैश नहीं लेंगे, हम बैंक को भी एज अ कैश ट्रीट करेंगे. क्लियर? अब देखो, कैश में एक चीज और इंक्लूड होती है, वो है कैश इक्विवेलेंस. कैश इक्विवेलेंस क्या होते हैं? देखो, कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, जब हम बिजनेस करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि हम हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें एकदम अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ना हमारे पास कैश इन हैंड है, ना बैंक में पैसा है, तो हम जो सिक्योरिटीज में पैसा लगाया है वो हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश. तो ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं करंट इन्वेस्टमेंट. इसका एग्जाम्पल है मार्केटेबल सिक्योरिटीज. दीज आर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन नेचर. हाईली लिक्विड इन नेचर का मतलब क्या होता है? जब हमें रिक्वायरमेंट है तब इन्हें हम बेच करके इनको पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, इनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी डिक्रीज इन देयर वैल्यू. इनकी वैल्यू में कोई डिक्रीज किए बिना, यानी जितने का इन्वेस्टमेंट हमने परचेज किया था उतने ही पैसे हम रिकवर कर सकते हैं व्हेन वी आर कन्वर्टिंग दैट इनटू कैश. इनके एग्जाम्पल हो जाएंगे कॉमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स. ठीक है, अगर हम प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगाते हैं और अगर हमारे वो अमाउंट रिडीमेबल है बिफोर 3 मंथ्स, तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं एज अ करंट इन्वेस्टमेंट. समझ में आया? तो ये तीनों ही चीजें हम कैश में कंसिडर करेंगे, कैश, बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी. क्लियर? अब देखो, सेकेंड जो टर्म आती है वो टर्म है फ्लो की. फ्लो क्या होता है? देखो, वैसे यूजुअली अगर हम देखते हैं फ्लो का मतलब होता है जो स्टैटिक नहीं होती है, ठीक है, जिसमें कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है उसे हम फ्लो कहते हैं. यानी जो चीज फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, मूवेबल है, उसे हम कहेंगे फ्लो. एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज नदी का पानी और तालाब का पानी दोनों को हम कंसिडर करते हैं. तालाब का पानी क्या है? क्या ये फ्लो ऑफ वाटर है? नहीं, ये पानी स्टेग्नेंट वाटर है, ये रुका हुआ पानी है, ठहरा हुआ पानी है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है अपनी जगह पर. जबकि जो नदी का पानी है वो फ्लो में है, वो पानी बह रहा है. तो इसी तरह से कैश में भी फ्लो होता है. क्लियर? कैश में भी फ्लो होता है. फ्लो यानी चेंजेस होते रहते हैं, कभी कैश इंक्रीज होता है, कभी कैश डिक्रीज होता है. तो जो कैश में फ्लो होता है, कैश में चेंज होता है, वो दो तरह से होता है. कैसे? एक तो होता है इनफ्लो ऑफ कैश और दूसरा होता है आउटफ्लो ऑफ कैश.
इनफ्लो ऑफ कैश का मतलब क्या होता है? ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनसे हमारा कैश का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिनसे हमारा कैश बढ़ जाता है, उसे हम कहते हैं इनफ्लो ऑफ कैश। ऐसे ट्रांजैक्शंस जिनसे हमारा कैश डिक्रीज हो जाता है, जिनसे हमारा कैश कम हो जाता है, उसे हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ कैश। तो इनफ्लो ऑफ कैश में क्या आ जाएंगे? रिसीट्स, यानी जब हम पैसा रिसीव करते हैं। सपोज हमने सेल किया है फर्नीचर का, ठीक है, तो जब हम फर्नीचर सेल कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, दैट विल बी इनफ्लो ऑफ कैश। जहां हम पेमेंट करते हैं वो होता है आउटफ्लो ऑफ कैश। जैसे हम अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं तो हम पैसे की पेमेंट करते हैं, पेमेंट करेंगे तो पैसा कम हो जाएगा, मींस आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश कम हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो उसे हम कहेंगे आउटफ्लो ऑफ कैश। क्लियर? अब देखो, जो रिसीट्स होती है उसके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, यानी पैसा एक तरह से बिजनेस में कभी भी नहीं आता। देयर आर सो मेनी सोर्सेस ऑफ रिसीविंग कैश। सिमिलरली देयर आर सो मेनी एप्लीकेशंस वेयर पेमेंट इज मेड। यानी हम पैसा खर्च करते हैं, वो भी बहुत सारी जगह पर खर्च करते हैं, और पैसा आता है वो भी बहुत सारी जगह से आता है। तो ये पता लगाने के लिए हम बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट, यानी एक ऐसा डॉक्यूमेंट हम प्रिपेयर करते हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। क्लियर? अब देखो, आप ये कहेंगे कि कैश की इंफॉर्मेशन तो हम जब 11th क्लास में थे, कैश बुक प्रिपेयर करते थे, उससे भी मिल जाती थी, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की हमें क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, जब हम कैश बुक बनाते थे तो वो हम डेली बेसिस पर बनाते थे, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम बनाते हैं तो वो हम एक समराइज्ड मैनर में बनाते हैं, वो हम एक सिस्टमेटिक मैनर में बनाते हैं। इसलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा एक सिस्टमेटिक मैनर से बनाया जाता है एज पर AS3 रिवाइज्ड। AS3 क्या होता है? देखो, AS का मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो गाइडलाइंस इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने इश्यू की है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो हम जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो स्ट्रिक्टली उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे, हम अपनी मन मर्जी से कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं। तो जब भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि ये गाइडलाइंस इश्यू की है इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने, जो हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करनी है। तो देखो, उन्होंने क्या कहा कि जब भी हम कैश फ्लो बनाएंगे तो जितनी भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनको हम कैटेगराइज करेंगे अंडर 3 एक्टिविटीज। पहली है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरी है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या हुआ? वो एक्टिविटीज जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम है, जहां से आपकी इनकम जनरेट होती है। आपको एग्जांपल दे, देखो सपोज आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं। जब आप फर्नीचर का बिजनेस कर रहे हैं तो आप फर्नीचर सेल करेंगे, फर्नीचर परचेज भी करेंगे, आप अपने जितने भी आपने कारीगर रख रखे हैं फर्नीचर बनाने के लिए, उन सबको सैलरीज भी देंगे। अगर आपने फर्नीचर के जो प्रमाइसेस है वो रेंट पे ले रखी है तो आप वहां का रेंट भी देंगे, ठीक है। यानी फर्नीचर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो सारी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो। क्लियर? अगर आप शेयर्स में पैसा लगा देते हैं
तो क्या वो एक्टिविटी भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर रिकॉर्ड करेंगे? नहीं रिकॉर्ड करेंगे। क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे? क्योंकि वो एक्टिविटी हमारा रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। जो मैंने शेयर्स में पैसा लगाया है और उससे जो डिविडेंड मुझे मिलेगा वो मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। ये रिकरिंग नेचर की नहीं है, ये नॉन रिकरिंग नेचर की है। रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज वो होती हैं जो रिकरिंग नेचर की होती हैं, यानी वो उनसे जो सेल और परचेज होती है वो रूटीन इन नेचर होती है, वो कभी कभी नहीं होती है, वो रेगुलर बेसिस पर होती है। अब एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज बैंक का एग्जाम्पल लेते हैं। बैंक का काम क्या होता है? बैंक हमें लोन प्रोवाइड करता है और जो पैसा हम बैंक में जमा करवाते हैं उसे वो एक्सेप्ट करता है, यानी एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइड लोन्स, ये बैंक का काम होता है। अब देखो इस काम से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारे रिकॉर्ड होंगे हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज। सपोज बैंक ने लोन दिया, लोन पर जो बैंक को इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो इसी काम से रिलेटेड है। बैंक में जो हमने पैसा जमा करवाया उस पर बैंक ने हमें जो इंटरेस्ट दिया वो भी इसी काम से रिलेटेड है, ठीक है। बैंक में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं उन सबको बैंक ने सैलरीज दी वो भी इसी काम से रिलेटेड है। अब सपोज बैंक में एक एसी खरीदा गया, तो जो एसी बैंक में खरीदा गया है क्या बैंक उस एक्टिविटी को भी प्रिंसिपल रेवेन्यू ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंडर रिकॉर्ड करेगा? नहीं, ये एक्टिविटी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं होगी, क्योंकि बैंक में जो एसी खरीदा गया है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में सिर्फ वो एक्टिविटीज रिकॉर्ड की जाती हैं जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। यानी यहाँ जब पैसे का लेन देन चल रहा है तो पैसे से रिलेटेड जो एक्टिविटीज होंगी वही सिर्फ रिकॉर्ड की जाएगी, दूसरी एक्टिविटीज रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। अब देखो सेकंड आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज इन विच वी आर इन्वेस्टिंग मनी इन लॉन्ग टर्म एसेट्स। जब हम कोई भी एसेट खरीदते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, नॉट फॉर रीसेल, दोबारा उसको हमें बेचना नहीं है, हमें अपने बिजनेस में यूज करना है, उसे हम कहते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। जैसे हमने सपोज परचेज ऑफ बिल्डिंग किया, परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड, सिमिलरली सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ मशीनरी, सेल ऑफ लैंड, तो ये सारी एक्टिविटीज आएंगी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हमने सपोज शेयर्स परचेज किए हैं तो वहां भी हमने इन्वेस्टमेंट किया है फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो वो भी कंसिडर होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। जो मनी हमने लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए इन्वेस्ट की थी उस पर हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो होगा हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। थर्ड एक्टिविटी आती है हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है? With change in size and composition of owner's capital and borrowing. ऐसे transactions which are related to capital structure. देखो capital structure में क्या आता है? एक तो owner's capital आएगा, दूसरा आएगा हमारी borrowing. यही आता है ना, share capital and debt ही होते हैं ना capital structure में. तो share capital में क्या आता है? जब हम equity shares issue करते हैं, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करते हैं, और बोरोइंग में क्या आ जाएगा? जब हम बैंक से लोन लेते हैं या फिर हम डिबेंचर्स इश्यू करते हैं, तो ये सब हमारे आ जाएंगे डेट में। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है, या तो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। अगर हम रिडम्पशन करते हैं डिबेंचर्स की तो क्या होगा? हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि हमने पेमेंट की है। अगर हम इंटरेस्ट दे रहे हैं डिबेंचर होल्डर्स को, अगर हम डिविडेंड दे रहे हैं शेयर होल्डर्स को, तो क्या होगा? हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आइटम्स जो हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर पर इफेक्ट करते हैं उन्हें हम लेते हैं अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड
ऑल थ्री एक्टिविटीज आप इजीली क्लासिफाई कर पाएंगे कि कौन से ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे अंडर ऑपरेटिंग, कौन से करेंगे अंडर इन्वेस्टिंग एंड कौन से ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कौन से ट्रांजेक्शंस आप रिकॉर्ड करेंगे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो आइटम्स जो हमारी प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, जो हमारे मेन सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, और जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंडर रिकॉर्ड करेंगे वो आइटम जो रिलेटेड होते हैं फिक्स एसेट से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से, और वो आइटम्स जो हमारे ओनर्स कैपिटल और बोरोइंग को चेंज कर देते हैं वो हम रिकॉर्ड करेंगे अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ओके, थैंक यू।